आशीष कौल साहब आइए, आ रही हूँ उसके बाद माजिद हैदरी आपके पास आऊंगी। आइए कौल साहब आइए जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बड़ा बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव था कि कश्मीरी पंडित्स को घाटी में अपने अपने रूट्स की जगह पे उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिले, पैकेज मिले, वेलकम। लेकिन देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है कि आप उन लोगों को ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं कि आप वहीं पे सर्व करेंगे। देखिए हम सबको पता है क्या इट्स अ नो ब्रेनर, वी नो द सिक्योरिटी सिचुएशन इज फ्रेजाइल। आज जितने लोग मर रहे हैं, इतना पैनिक आज जो है ये क्यों है, ये इसकी स्कोप होनी नहीं चाहिए थी। आप एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी को सबसे पहले तो इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको क्लास 4 क्लास 5 जॉब्स देते हैं और फिर उसके बाद उनको ये भी कंडीशन लगाते हैं कि आप वही सर्व करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये, इतनी मेरी नजर में इतनी बारी जानकारी ये आई कि जो वेल प्लेस लोग हैं जिनकी सिफारिशें चलती हैं उनके ट्रांसफर तो हो जाते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है जो सरकार के भरोसे चलता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता है, वो अपनी जान को हथेली पे लेके सरकार के साथ चलता है कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगा घाटी में। जब वो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करता है उसका ट्रांसफर नहीं होता, या जब वो ये कहता है कि आपने मुझे ऐसे ऑफिस में भेजा है जहां मेरी जान को खतरा है, उसके उसको कोई कंसिडर नहीं करता। लेकिन जो वेल प्लेस लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके जानने वाले लोग हैं, इसको कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इनके ट्रांसफर कैसे होते हैं? और वो ऑफिशियल, यू नो इट इज सच अ ट्रैवेस्टी, ये लोग उसको ट्रांसफर नहीं कहते हैं, दीज आर रिलोकेशंस, दीज आर डेप्यूटेशंस। तो अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं हमने तो किसी को ट्रांसफर नहीं किया। आशीष कौल साहब, आप वाकई में जो यहाँ पर तथ्य रख रहे हैं, आप जो फैक्ट्स यहाँ पर रख रहे हैं सर, उससे तमाम खामियां उजागर हो रही हैं और एक तरीके से मुझे लगता है कि सच सामने आ रहा है, कि ऐसा सच जो डरा रहा है और इसी के लिए समाधान इसका क्या हो। इस दिशा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले माजिद हैदरी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, आइए जल्दी से हैदरी साहब। जी देखिए मैडम, मैं आशीष साहब और सुशील भाई के जज्बात की कदर करता हूँ। इन्हें बहुत सही कहा, जो पंडितों के लिए जो पैकेज है ना, मैं उसे रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं कहता, मैं उसे बंधुआ मजदूर पैकेज कहता हूँ। क्योंकि इस बेचारे गरीब पंडित से बॉन्ड लिख के लिया जाता है कि गरीब पंडित तुझे कश्मीर में जाना है, तुझे वही ड्यूटी करनी है और तुझे वही मार दिया जाएगा और हम ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, ये इनके पैकेजेस में बंधुआ मजदूर पैकेज है। सुशील भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इनने जज्बात में आके सच कहा कि हिंदू भाइयों कश्मीर से निकल जाओ, लेकिन जिस मुसलमान को कश्मीर में खतरा है उसके बारे में सुशील जी ने बात नहीं कही कि वो मुसलमान कहां जाए। और आशीष जी ने एक बात कही कि भाई यहाँ पे हमारे कोई टेरिटोरियल आर्मी बनाई नहीं होगी, वो कश्मीर में आएगा। आशीष भाई आप कश्मीर में आके मेरे साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं या मुझ पर कब्जा करना चाहते हैं, आप मुझे फतह करना चाहते हैं या मेरे साथ रहना चाहते हैं? तो ये जब हम बात करते हैं ना, हम भी आपके साथ हैं, हम आपके दर्द में शरीक हैं, हम आपकी बात करते हैं इस मंच पे, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो इससे नफरतें बढ़ती हैं। कृपया करके नफरत ना बढ़ाइए, हम पंडित भाइयों के साथ हैं और हम गवर्नर के एलजी साहब की जो सरकार है उसकी निंदा करते हैं कि वो कैसे लोगों को यहाँ मरने दे रहे, लेकिन भाईचारा रखिए, नफरत मत करिए, बस इतना ही कहता हूं। ठीक है, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को आना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, ये वैसे जो आधा हिस्सा था जिस बात का जिक्र माजिद हैदरी कर रहे थे वो एक बहुत वैलिड बात है सर। सुशील पंडित जी ने यहाँ पर कह दिया कि कश्मीरी पंडित हिंदू जो हैं वो निकल आए घाटी से, वो बलि का बकरा ना बने। लेकिन यहाँ जिस बात का जिक्र कौल साहब भी कर रहे थे कि साहब जो आम आदमी है, जिसके कोई रसूख नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो मजबूर है, वो जिस तरीके से फंसा हुआ है उन हालात में, आम अगर कश्मीरी की बात की जाए, मुसलमान चलिए मैं बोल देती हूँ, मुसलमान कश्मीरी, क्योंकि इन 22 दिन में भी जो 7 लोग मारे गए हैं उनमें से 3 तो मुसलमान ही है ना सर, वो कहाँ जाएंगे सर? तो कुल मिलाकर सिचुएशन जो सुरक्षा की है उसी को दुरुस्त करना पड़ेगा ना सर? हर निर्दोष नागरिक की नहीं, निश्चित रोमाना जी, हर निर्दोष नागरिक को भय मुक्त करना है, कश्मीर की घाटी को आतंक मुक्त करना है, आतंकवादियों के समूल नाश के बिना ये संभव नहीं है। तो हम ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से आतंकवाद का समूल नाश, कितनी और जाने जाने के बाद, यही तो वो सवाल है, यही तो हम सबका सपना है कि आतंक मुक्त हो घाटी, वहां पर खुली फिजा में सुरक्षित अंदाज में हर कोई जिंदगी जी सके, सांस ले सके, लेकिन यहां तो सांसें ही रोक दी जा रही हैं। 22 दिन में 7 हत्याओं से घाटी दहली है, टारगेट किलिंग का टेरर कब तक? सिटी जानी ना,
गुड़िया सर पे। हाँ गुड़िया सर पे कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।